डल स्किन की बात करते हैं कि आप अगर ये डेली रूटीन बना लें तो इंशाल्लाह स्किन पे एक ग्लो आ जाएगा। हाँ। जैसे तो उसके लिए आपने क्या करना है, दही बहुत अच्छा होता है, आपने लेना है क्योंकि अब हम सर्दियों में जा रहे हैं। हाँ। तो उसी हिसाब से बताऊंगी कि इसमें और क्या क्या मिला है। आपने लेना है दही तकरीबन 3 चम्मच। ठीक है, ठीक है। इसमें हल्दी डलेगी एंटीसेप्टिक के तौर पर, अल्लाह ना करे किसी इंग्रेडिएंट से अगर आपको एलर्जी हो तो हल्दी आपको प्रोटेक्ट करेगा। सिर्फ पिंच डालना है। तुम ये भी ट्राई कर सकती हो। ये मैंने किया है ना थोड़ा। नहीं, ये तो दही खाली है ना, इसमें आप हल्दी मिला रही है और भी मिला सकते हैं इसमें है। हाँ, मैंने एक दफ़ा बना के लगाया मुझे, इसमें दही में कॉफ़ी, हल्दी और थोड़ा सा कच्चा दूध जो होता है। हाँ, वो बना के स्किन पे लगाएं। अच्छा, इन दोनों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। जब भी आप कोई क्रीम वगैरह बनाए, होम रेमेडी बनाए, तो पहले दो चीज़ जो डालें उसको अच्छी तरह मिक्स कर लें, फिर तीसरी चीज़ आप ऐड करें। okay. अब मैं इसमें पम्पकिन सीड यानी कद्दू का तेल, लौकी का तेल आराम से मार्केट में अवेलेबल है, वो मैं इसमें मिक्स करूँगी। अच्छा, लौकी का तेल क्यों? क्योंकि आपको मॉइस्चराइज करेगा, हम सर्दियों में जा रहे हैं, आपकी स्किन के एलर्जीज को कम करेगा, दाने नहीं निकालेगा और फौरन जज्ब होने वाला तेल है। समझे, ये एक ऐसा मास्क है ना। जी, मास्क सॉर्ट ऑफ कि आपके चेहरे पर ग्लो रहे। जी, ग्लो के लिए, डल स्किन को सही करने के लिए। अच्छा, अगर फर्ज करें जी, अभी किसी खातून ने देखा है और उसको बहुत जोर से ये मास्क लगाना है, मतलब बहुत दिल चाह रहा है, और उसके घर में कोई नहीं है जो उसको ये कद्दू का तेल ला के दे सके, फिर वो क्या करे? सब्स्टिट्यूट क्या है? अभी आज रात को शादी में जाना है, ग्लो लानी है। अच्छा, देखिए, फिर कुकिंग ऑयल कोई भी, अच्छा सनफ्लावर कुकिंग ऑयल है तो बेस्ट है, विटामिन ई होता है उसमें। हाँ, आप वो ले लें अगर मतलब अभी कोई नहीं है रक्षे में बैठ के, कैसे जाए। अच्छा, इसमें जो है ना 2 चम्मच आपने लौकी का तेल डालना है इसको अगेन, फिर क्योंकि अब इसमें ना ऑयल कंटेंट अलग हो गया और वाटर कंटेंट अलग हो गया, इसको अगेन दोबारा अच्छी तरह मिलाएं। ओके, ठीक है, ठीक है। अब इसमें ब्लड सर, क्योंकि हम सर्दियों में जा रहे हैं तो ब्लड सर्कुलेशन को तेज करने के लिए आपने इसमें दालचीनी का पाउडर पिंच डालना है, सिर्फ पिंच, ज्यादा नहीं। जरा एक दफा अपनी चुटकी लें और अपने हथेली पे डालें और वो दिखाएं कितना। ये देखें, ये जरा कैमरा फोकस करें, थोड़ा सा दिखाएं। बस इतना कम। हाँ, ठीक है, सही। अब इसको अगेन मिक्स कर लें बहुत अच्छी तरीके से। चुटकियों के भी तो अलग अलग साइज होते हैं ना भाई। बहुत ही कम, आधा बड़ा है इजाज़त इस्लाम का, तो उसके तो चुटका होगा और क्या। ठीक है, अच्छा, अब ये जैसे 1/2 ग्राम अगर आप देख लें, अब ये देखें मैंने ये इसको मिक्स किया है और इसको अब आपको इसमें ऑयल नज़र ही नहीं आ रहा। ये देखिए, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे आप कोई भी क्रीम घर में लेकर लगाते वैसे ही है। हाँ। अच्छा, हल्दी भी ज़्यादा नहीं डालना, अगर आपने घर में हल्दी पीसी है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बाहर कलर। अच्छा, रिपीट करें इसके। जी बिल्कुल, दही 2 चम्मच, 2 से 3 चम्मच दही, हल्दी, पिंच पम्पकिन यानी कद्दू का तेल। जी, कद्दू का तेल 2 चम्मच, 2 चम्मच एंड देन दालचीनी पाउडर पिंच, बस ये। आप ये डल स्किन के लिए, अच्छा अब ये बन गया, अगर अल्लाह ना करे ड्राई स्किन है तो भी आप लगा सकते। ड्राई स्किन है तो वो दही कौन सा लेंगे? बलाई वाला लेंगे। बलाई वाली, अल्लाह ना करे ड्राई स्किन है, मेरे उस पे गया दिमाग। अल्लाह ना करे, मैं आज ही जाके करने वाली थी ये, बिकॉज़ इट एजिंग फास्ट, दैट्स द रीजन। अच्छा, अच्छा, तो फिर आप मुझे बताएं, अल्लाह ना करे अगर ड्राई स्किन हो तो क्या डालें? कुछ भी नहीं, बलाई जो दही है वो बलाई वाला नहीं। अच्छा, ठीक है। और अगर आपकी नॉर्मल स्किन है, ऑयली स्किन है, तो आपने दही लेना है तो उससे बलाई हटा देना। बाकी जो चीजें हैं वो नॉर्मल टू ड्राई स्किन सबके लिए है। ठीक, दही में आप ये कर लीजिएगा। और ये कितनी देर लगाएं, जब तक मेरा शो चल रहा है 2 घंटे लगा या कितने? आप इसको देखिए, मैं बताती हूँ इसको लगाने का तरीका। जैसे लिया, हाँ, अच्छी तरह लगाया, हाँ, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अच्छी तरह लगाया, इसको जज्ब, हाँ, किया, और आपने इसकी मसाज अच्छी तरह करनी है ताकि सर्कुलेशन ऑफ ब्लड तेज हो और ये आपके पेनिट्रेट हो जाए। ठीक है, ये आपने अच्छी तरह लगाया, देखिए मैंने अभी लगाया है और आपको कहीं भी ऑयल नजर नहीं आ रहा, बिल्कुल भी ऑयल नजर, लेकिन शाइन आ गई। आपने 1 घंटे लगाना, 1 घंटे, 1 घंटे बाद अगर 2 घंटे लगा ले तो क्या नुकसान होगा? आप 3 घंटे लगाएं, कोई नुकसान नहीं होगा, कम से कम 1 घंटे लगाएं, ज्यादा से ज्यादा आपकी मर्जी, आप जितना भी लगाएं। अच्छा, इसको जब धोएं तो आपने सोप यूज नहीं करना, आपने करना क्या है, ठंडे पानी से वॉश कर लें।
अच्छा एक बात आपको बताऊं, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे इसमें हल्दी भी है और दालचीनी भी है और दही की अपनी भी एक थोड़ी सी हमक होती है ना, स्मेल होती है, तो अब अगर आप कह रही हैं कि फेस वॉश या उससे नहीं धोए, अच्छा मैं आपके पास आती रहेगी, नहीं मैं आपके पास आती हूँ, आप लोग इसको जरा स्मेल कर लें, बिल्कुल नहीं आएगी क्योंकि इसमें सिनेमन की थी, शाइन तो बहुत आ रही है स्क्रीन पे, और इसमें सिनेमन की थी, हमें अपनी नाक से भी नहीं आएगी, ये देख मैं आ जाऊँ, मैं आ जाती हूँ, आप क्यों आए भाई, मैं आ रही हूँ, आप ये देखें, हाँ जरा सा आप मतलब आपको आपको बुरा फील नहीं होगा, मुझे होगा भी तो मैं कैसे मुंह बनाऊंगी, मैं नहीं, मुझे इसमें सिर्फ जो है वो दालचीनी की आ रही है, दालचीनी मेरा ख्याल से जो दही की हमक है वो दालचीनी खत्म कर देता है, और दालचीनी की जो स्पाइस है ना वो बहुत अच्छा लगता है, वो अगर किसी के बैड ऑर्डर होता है, एक इम्पोर्टेंट सवाल, किसी का दाना है, किसी का रैश है, तो दालचीनी उसके ऊपर कुछ इरिटेशन तो नहीं करेगी? नहीं, दालचीनी की मकदार हमने इतनी कम रखी है, फिर हमने इसमें हल्दी और लौकी का तेल ही इसलिए मिलाया है कि वो ये सारे एलर्जी जो हो जाती है उसको कवर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उर्वा हुसैन, सब्सक्राइब टू द ARY डिजिटल यूट्यूब चैनल फॉर मोर एंटरटेनिंग कॉन्टेंट।